हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस दूसरी कक्षाओं में छात्रगण, जहां पर आप सब नए लेशन की ओर हम सब उन्मुख होंगे। कल की क्लास में आपने देखा था कि किस प्रकार से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपके सामने में प्रस्तुत किए थे, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चंस भी डाल दिए थे आंसर्स के साथ में। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आंसर आप सब अच्छी तरह से बना रहे होंगे और उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पढ़ाने के अलावा एक दो क्वेश्चंस मैंने ऐसे उसमें ट्विस्ट करके डालेंगे छात्रगण, जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे। क्वेश्चन अगर ना बने तो आंसर्स मिला लीजिएगा, और आंसर्स पे अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन पे डाउट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको डील कर दूंगा। बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो फिर उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस हम सब यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की एज यूजुअल क्लास में, और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आपने देखा छात्रगण, एनसीएफ की जब हम बातें करें तो सरकार को यह कहीं ना कहीं मालूम था कि अगर विद्यालय जीवन पर हम सब बच्चों को पढ़ाने के स्टाइल्स और साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड क्लास और उसके अलावा अगर पुस्तकों को हम सब परिवर्तित ना करें तो शायद बच्चों में आने वाला जनरेशन जो होगा वो किताबी कीड़ा बन करके रह जाएगा, और इस किताबी ज्ञान को वो बाह्य ज्ञान से जोड़ पाने में कामयाब नहीं होगा। इसी उद्देश्य को पाटने के लिए हम सबों ने एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण किया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट एक कानून है। देखिए अभी तक की व्यवस्थाएं क्या थी, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं, टीचर हैं, सभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं स्कूल में, सभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप ध्यान लगाइए, होता क्या था कि जब बच्चे स्कूल्स तो आ रहे हैं, टीचर भी स्कूल आ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने का जो क्रमवार जो कंसेप्ट था छात्रगण, वो शायद टीचर स्कूल तो जरूर आ रहे थे लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रहे थे। बच्चे स्कूल एक दिन आए, दो दिन आए, तीसरे दिन स्कूल आना बंद कर दिए। कई सारे बच्चे अपने घर में खेतों में काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा पर इतनी भारी बजट के बावजूद शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एजुकेशन के रिस्पेक्ट में हम सब कैसे शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से जोड़े, इसके लिए सरकार लगातार मंथन कर रही थी, और बहुत ही जद्दोजहद के बाद शिक्षा का अधिकार अब एक कानून बन चुका है छात्रगण, और प्रत्येक शिक्षक और अभिभावक की ड्यूअल जवाबदेही होगी कि वह अपने बच्चों को, अभिभावकों की ड्यूटी होगी कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और साथ ही साथ शिक्षकों की जवाबदेही होगी कि बच्चों को उस जगह पर बच्चों को जा करके पढ़ाएंगे अपने विद्यालय में, घंटी आधारित क्लास होगी और उसमें शिक्षक अपना क्लास लेंगे। राइट टू एजुकेशन कानून जब हमारे देश में लागू हुआ छात्रगण, वक्त था 1 अप्रैल 2010। इस कानून के लागू होने के तदनुपरांत छात्रगण, विद्यालय के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किए गए। मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई भी एक ऐसे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होंगे जहां पे बेंच और डेस्क नहीं होगा, या फैन नहीं होंगे, सीलिंग फैन नहीं होंगे, लाइटिंग नहीं होगी। अब तमाम व्यवस्थाएं एक ऐसी व्यवस्था के रूप में कर गए जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। इन व्यवस्थाओं पे आप देख पाएंगे छात्रगण कि किस प्रकार से बच्चे अब जो है, पहले बोरा में बैठते थे, अब बोरे में बैठने की कथा इतिहास के पन्नों में चली गई। अब बच्चे बेंच डेस्क, आधारभूत संरचना है, छात्र के लिए अलग टॉयलेट, छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट, है ना, उवासीन स्कूल जैसे कार्यक्रम, ये सब कई चीज जो है आरटीए के प्रावधानों के तहत चलाए जा रहे हैं। COVID-19 से अवेयरनेस कार्यक्रम हो, या फिर हैंड वॉशिंग के कंसेप्ट हो, मध्यान्ह भोजन जैसा विशाल कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में चल रहा है छात्रगण। तो ये तमाम चीजों की जो रूपरेखाओं का निर्माण हुआ, वो सारा का सारा जो छात्रगण, वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की रूपरेखा है, 2009 की देन है छात्रगण। आरटीई एक्ट में हम सबों ने उन आधारभूत मूल संरचनाओं का ना सिर्फ निर्माण किया है छात्रगण,
बल्कि कक्षा और शिक्षक के अनुपात को भी हम सबों ने पाटने का प्रयास किया है। आप अभी देख पा रहे होंगे छात्रगण कि एक ही क्लास में 60-60 बच्चे बैठे हैं, टीचर एक है, लेकिन नहीं, आरटी एक्ट कानून के लागू होने के बाद में प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए शिक्षक और टीचर्स के अनुपात में बंटवारा किए गए हैं। कम बच्चे एक शिक्षक, कम बच्चे एक शिक्षक, इस प्रकार शिक्षक और छात्र के अनुपात के फलस्वरूप क्या होगा, अब टीचर एक एक बच्चे पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगर एक वर्ग कक्षा में एक बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए 60 बच्चे हैं, तो उन्हें 30-30 के सेक्शन बनाए जाएंगे, 1:30 प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए 1:35 का रेशियो निर्धारित किया गया है। यानी 35 बच्चा में एक शिक्षक और 30 बच्चा में एक शिक्षक, 1:5 के लिए और 6:8 के लिए। तो राइट टू एजुकेशन कानून एक ऐसा कानून था छात्रगण जिसने रातों रात शिक्षा के जो मूलभूत संरचनाएं थे उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि वर्ष 2002 में एक संविधान संशोधन हुई थी जिसका नाम था 86वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण थे छात्रगण, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो कानून का दर्जा लिया, इसे लाया गया था और अब यह मेरा एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। अभिभावकों की यह जवाबदेही होगी कि वह अपने बच्चों को स्कूल तक भेजे और शिक्षकों की यह जवाबदेही होगी कि उन बच्चों को, ड्रॉपआउट बच्चों को रोके, जो बच्चे नाम तो लिखा लेते हैं स्कूल में लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए कई प्रकार के एक्ट और कानून का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि जब हमारा संविधान बना था, जब देश आजाद हुई तो जो हमारा संविधान बनाया था उसमें शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। शिक्षा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत में रखे गए थे। राज्य सरकार की पूर्ण जवाबदेही होती थी कि वो शिक्षा को इंप्लीमेंट करें। छात्रगण आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य सरकारों की विफलताओं को देखते हुए, टीचर्स थे, गवर्नमेंट टीचर्स थे, बहुत कम टीचर्स थे, बच्चों के अनुपात में शिक्षक भी कम थे, मूलभूत जो आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं वो विद्यालय लेवल पर नहीं था। बच्चे स्कूल तो जरूर आते थे लेकिन बस खेल कूद में ही अपना जीवन बताते थे, शिक्षक स्कूल आते थे लेकिन स्कूल के बहाने अपने दूसरे कार्यों को निपटाते थे। इन सब चीज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन लेकर के आया छात्रगण, जिसके तहत आज की तिथियों में शिक्षा अब एक मूल अधिकार है, ये राइट टू एजुकेशन हो गया। फंडामेंटल राइट्स में शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया है। ये पूरी कहानी कैसे हुई, कब ये घटित हुआ, इनकी विस्तृत चर्चाएं छात्रगण आज की आज क्लास में हम सब अब करेंगे। 2002 में जब 86वां संशोधन हमारा लागू हुआ था छात्रगण, तो आपको यह जान करके बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि शिक्षा के मूल अधिकार में जैसे ही यह शामिल हुआ, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज की तिथियों में छात्रगण न सिर्फ विद्यालय अपने आधारभूत संरचनाओं को पूर्ण करने में कामयाब हुए हैं छात्रगण, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने की भी हम सब बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं और बच्चों का कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास होता हुआ नजर आया है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2009 में लाया गया यह कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, किन मायनों में महत्वपूर्ण थे और किस प्रकार के ये हमारे परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिएट कर जाते हैं। जो थीम थी छात्रगण, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो एक लाइन का थीम था, वो थीम था कि 6 वर्ष से 14 आयु वर्ष के लोगों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क मतलब पैसा ना लगे, अनिवार्य के मतलब एकदम जरूरी है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो कहीं भी रहते हो, देश के किसी कोने में रहते हैं, उन्हें अपने आसपास के स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 1 से लेकर के 8 तक की 5 कक्षाएं पास करना उन्हें निश्चित रूप से अनिवार्य किया गया छात्रगण, आरटीए एक्ट के प्रावधानों के तहत। जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा में थोड़ी छूट दी गई और यह किया गया है 18 वर्ष तक, यानी कि 6 से 14 कॉमन बच्चों के लिए और 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए यह प्रावधान किया गया है। आइए छात्रगण, आपको आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आरटी पे एक संरचना हमारा है, आज की टॉपिक आप क्रिएट कर लीजिए छात्रगण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इन इंग्लिश इट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
हम देख पाएंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन रूपों में हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक हुआ और किस प्रकार हम इस पर काम करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो कानून है छात्रगण, यह स्पष्ट करता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। तो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य का तात्पर्य क्या है? ये दो वर्ड है निःशुल्क और अनिवार्य, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि 6 से 14 आयु वर्ग कॉमन बच्चों के लिए, और दिव्यांग बच्चों के लिए कितना? 6 से 18। वो एकदम नोट किया जाना चाहिए, दिव्यांग बच्चे के लिए ये उम्र सीमा कितनी होगी? 6 से 18 वर्ष। तो कॉमन बच्चों के लिए 6 से 14 आयु वर्ग और दिव्यांग बच्चों के लिए ये 6 से 18 वर्ष। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में 6 से 14 आयु वर्ग और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ग के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो दो वर्डिंग यहां पे क्लियर आपका होना चाहिए, निशुल्क एवं अनिवार्य। ये दो वर्ड निशुल्क एवं अनिवार्य आपका क्लियर होना चाहिए कि निशुल्क एवं अनिवार्य क्या क्या रहा है। निशुल्क का तात्पर्य हो गया छात्रगण फ्री एजुकेशन, अनिवार्य का हो गया कंपलसरी एजुकेशन। तो फ्री विथ कंपलसरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को प्रावधान किए जाने का प्रावधान किया गया है छात्रगण। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आरटी एक्ट 2009 के रूप में जाना जाता है छात्रगण, इसके तहत में इन बच्चों को फ्री एजुकेशन दिए जाने का और कंपलसरी एजुकेशन दिए जाने का प्रावधान है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे क्रमवार ये घटनाएं कैसे घटी, देश में ये कानून लाने के पीछे उद्देश्य क्या था सरकार का। ये आपको मैंने जस्ट कहा कि शिक्षा की व्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह से चरमराई हुई थी, एजुकेशन अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर था। चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत में रखे गए थे, जिसको हम सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं छात्रगण। और अब शिक्षा कहां पर रखा गया है? अब शिक्षा कहां पर रखा गया है? मूल अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत में। अभी सारा नोट्स में लिखा देंगे, खाली शुरुआत की जो इंट्रोडक्शन लाइन है उसको अच्छी तरह से सुन लीजिए। 21 क के अंतर्गत में उसे रखा गया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, सरकार इसी पर नकेल कसती है छात्रगण। और अब हम अगर बच्चे को टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ाता है या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो हम कानून का सहारा ले सकते हैं, ये एक्ट हो गया, हम अपील दायर कर सकते हैं, इस पर प्ली जारी हो सकता है छात्रगण। अर्थात अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम एक कानून है और यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है या कोई टीचर्स स्कूल तो आता है और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है तो यह एक कानूनन जुर्म होगा छात्रगण। और इसी के तहत में पूरी तरह से जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की रचनाएं की गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है और किस प्रकार ये बातें करता है। तो जैसे कल की क्लास में कितने तरीके से हमने एक एक चीज को लाइन बाय लाइन लिख लिखकर आपको नोट्स बनाया था, चलिए आप लिखने के लिए एकदम से तैयार हो जाइए। पूरी तरह से पूरी फ्रेमवर्क आपको मैंने खींच दिया है, एक एक कानून देखेंगे, एक एक एक्ट देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे और तमाम बातें हम सब इसमें करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए डैश बुलेट लगा लगा करके अपना लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहली लाइन जो हमारी इसमें जानी है छात्रगण वो होगा कि भारतीय संविधान के, हाँ डैश देकर के बुलेट लगा करके लिखना शुरू करेंगे छात्रगण, भारतीय संविधान के निदेशक तत्व, इन इंग्लिश इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ओके बुलेट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है, उसी के नीचे डैश लगा करके
बुलेट लगा लीजिए फटाक से, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है, डाल सकिए लैंग्वेज उतार लीजिएगा, छह से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लिख करके डैश लगाएंगे, लिखेंगे 6 से 14 आयु वर्ग, जबकि दिव्यांग बच्चों की स्थिति में, दिव्यांग पहले विकलांग होता था, अब दिव्यांग हो गया है, जबकि दिव्यांग बच्चों की स्थिति में 6 से 18 वर्ष, जबकि दिव्यांग बच्चों की स्थिति में 6 से 18 वर्ष के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो 5 क्लियर हो गया, निःशुल्क और अनिवार्य, ये जो शब्द है आरटीई का कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यही इसका मूल मंत्र है, जो इसका बेसलाइन है, जो इसका थीम है, वो यही है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ओके, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। आज लास्ट में बता देंगे, कोई कुछ बुक्स रिकमेंड कर देंगे, कुछ एक गाइड भी हम रिकमेंड करेंगे आज बाजार में, उसको ले लीजिएगा, सो देट कि यहाँ भी पढ़ाई हो रहा है, घर में भी और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ले, आज लास्ट में जाते जाते आपको बुक्स रिकमेंड करेंगे और ये करेंगे। हो गया, ये सारी कहानी हो गई। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का पूरा फंडा क्या है, ये चीज़ क्लियर हो गया अच्छी तरह से, डैश दे करके बुलेट लगाइए। ठीक, उसी नीचे देखिए, 3 क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष पे लाया गया था, 2009 पहला, अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें, ठीक है। पूरे देश में ये कब लागू हुआ, ये अलग क्वेश्चन होगा, 1 अप्रैल 2010, वो हम लोग बाद में करेंगे उसको, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें। दूसरा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ली जाने की आयु क्या है, 6 से 14, 6 से 18 वर्ष, एकदम याद रखिएगा। अन्य बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितना साल के लिए, 6 से 14। तो 3 सुपर हिट क्वेश्चन अभी तक के लाइन में आपके निकल गए छात्रगण, तमाम क्वेश्चन सेटेट और जीटेट के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्रिएट करिए वहां पर, भारतीय संविधान में डैश देकर के हेडिंग क्रिएट कर लीजिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी उपबंध, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी उपबंध, इसकी बातें कीजिए मेरे साथ में, जानिए कि कैसे कैसे ये सेटअप हुआ। लिखिए, निदेशक तत्व, वही राज्य के निदेशक तत्व, डाजे के लिखना शुरू कीजिए, निदेशक तत्व राज्य को बाध्य नहीं करते, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राष्ट्रीय हित में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उसी में बुलेट नहीं लगाना, उसी लाइन में, इसके लिए संविधान में वर्ष 2002 86वां संविधान संशोधन, 86 वर्ष 2002 में
86वें संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को, जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो हम 1-8 की बात करते हैं, 6 दिन ये याद रखिएगा, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उठाकर किसको कहां लाया गया, मूल अधिकार में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में ये किस अनुच्छेद के तहत में था, 45, वो जस्ट अभी ऊपर में आपको लाइन लिखाए थे, इसको उठा के कहां कर दिया गया, मूल अधिकार में लाया गया निर्देशक तत्व से, और वहां पर इसको कौन सा अनुच्छेद दिया गया, 21 का, वो अभी नीचे लिखाएंगे आपको। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार में लाया गया, फुल स्टॉप, विच इट डज। और संविधान के अनुच्छेद 21 ए या क, दोनों में कोई भी, चाहे हिंदी लिखेगा तो 21 क और इंग्लिश लिखेगा तो 21 ए, 21 ए 21 क के द्वारा अब यह मूल अधिकार है, 21 क के द्वारा अब यह मूल अधिकार है। हो गया, तो ये हो गया भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी उपबंध, एकदम क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं एकदम आराम से। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि शिक्षा पूर्व रूप में जब तक ये आरटी एक्ट कानून नहीं आया था कहां पर था, निदेशक तत्व में था। निदेशक तत्व के अंतर्गत इसको किस अनुच्छेद में रखा गया था, 45। इसको फिर अब आज की डेट में शिक्षा का अधिकार कहां पर है, तो ये मूल अधिकार बन चुका है। मूल अधिकार के अंतर्गत में ये किस अनुच्छेद के तहत में है, तो आर्टिकल 21 क के अंतर्गत में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया, तो आंसर होगा छात्रगण 86वें संविधान संशोधन जो वर्ष 2002 में पारित किए गए थे। तो 4-5 क्वेश्चन एकदम दिमाग में आपके तैरते रहने चाहिए, क्योंकि ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चंस होंगे जहां तक आपकी परीक्षाओं की बातें होंगी छात्रगण। चलिए अगली पॉइंट क्रिएट कीजिए और लिखिए शिक्षा का। तो छात्रगण नेक्स्ट टॉपिक वहां पर क्रिएट कीजिए, हेडिंग बनाइए, शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम, शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009। फिर एक हेडिंग क्रिएट कीजिए, शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009, नीचे डैश। भारतीय संसद में छात्रगण आपको मालूम होना चाहिए, बाद में लैंग्वेज लिखिएगा, अभी थोड़ा सा समय रुक जाइए और बातों को सुनिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अध्यादेश सबसे पहले किसी चीज को लागू करने के लिए चाहे तो लोकसभा में या राज्यसभा में एक विधेयक लाया जाता है। अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस को आपको नॉलेज होगी, जो विज्ञान के बच्चे हैं जिन्हें राजनीति की कोई भी जानकारी नहीं है वो ध्यान से सुने। संसद हमारा सबसे बड़ा बॉडी है, इस संसद की रक्षा करने वाला सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा बॉडी है। संसद के द्वारा, संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों में कहीं भी किसी भी विधेयक पर चर्चा हो सकती है, कुछ एक विधेयक को छोड़ करके जो केवल लोकसभा में ही पेश होता है, जैसे धन विधेयक या अन्य, वो जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आरटीई एक्ट के जो कानून हमारे पारित होने के लिए चर्चाएं चल रही थी, हमारे पास हंगामा हो रहा था, उसी वक्त आरटीई कानून को सबसे पहले राज्यसभा में पारित किया गया था, और वो समय था 22 जुलाई। लिखे डास्ते करके, समझ में आ गया, लिखे भारतीय संसद में, आई थिंक 20 जुलाई था ना, हाँ ठीक है 20 जुलाई लिखे भारतीय संसद में, राज्यसभा ने, दोनों सदनों से पास होना चाहिए छात्रगण, जब तक कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं होगा उसे मान्यता नहीं मिलती है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने के बाद यह फुल फ्लेजर देश के गजट पे आ जाता है, और गजट में आने के साथ ही साथ ये फुल फ्लेजर लागू हो जाता है। तो नीचे जैसे करके लिखेगा, भारतीय संसद में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा, जो अस्थाई सदन होता है ना,
को राज्यसभा के द्वारा तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। दोनों डेट ख्याल रखिएगा। लोकसभा में यह कब पेश किया गया था? तो 4 अगस्त को। राज्यसभा में इसे कब अनुमोदित किया गया? तो 20 जुलाई को। दोनों डेट इंपॉर्टेंट होगा। 2009 तो आप जान रही है, कानून 2009 में बना है, तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां दो डेट निकल गए, एक 20 जुलाई और एक 4 अगस्त। अब नीचे डैश देखकर, अब ये जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है तो कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास में। बुलेट लगाइए। राष्ट्रपति के अनुमोदन जो 27 अगस्त 2009 को हुआ था, राष्ट्रपति का अनुमोदन जो 27 अगस्त 2009 को हुआ था के पश्चात भारत के राजपत्र, जिसको हम सब गजट कहते हैं, गजट, भारत के राजपत्र यानी कि गजट, भारत के गजट में, जैसे ही गजट में आगे छापते हैं वो कानून बन जाता है गजट, भारत के राजपत्र सो गजट कहते हैं, भारत के राज गजट में प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को, देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। गजट में आ गया, लैंग्वेज पूरा हो गया, कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। बुलेट 1 अप्रैल 2010, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है छात्र, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वैधता की घोषणा की गई। मतलब कि यह वैध है, वैधता की घोषणा की गई। और संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। ओके? इसे लागू कर दिया गया। तो 3 सुपर डुपर हिट क्वेश्चन यहां से आपके क्रिएट हुए छात्र, 3-4 क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा है उस पर आप क्वेश्चन आप देख लीजिए। रेडी हैं? यस। एकदम कॉपी में देखना नहीं है, चलिए एकदम मेरी ओर ध्यान केंद्रित कीजिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन का चेक होगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा के मूल अधिकार को जब इसे मूल अधिकार में जोड़ा गया तो कौन से अनुच्छेद भी जोड़े गए? 21 का क। आज की तिथि में शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? 21 क। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को इसे राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, इस कानून को, शिक्षा के अधिकार कानून को किस तिथि में राज्यसभा ने पारित किया था? तो 20 जुलाई 2009। निम्नलिखित में से किस तिथि में इसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया? तो 4 अगस्त 2009।
इन दोनों सदनों के पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति ने इस पर कब अपना सिग्नेचर किया, कब अनुमोदित किए, तो 27 अगस्त 2009 को। इन तमाम चीजों को होने के बाद जब ये गजट में आ गया तो पूरे देश के लिए कब लागू किया गया कि यहां पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम फुल फ्लेजर पूरे देश में क्रियान्वित कर दिया गया, ये किन वर्षों में संभव हुआ, वो था 1 अप्रैल 2010 को छात्र पूरे देश में इसे क्रियान्वित कर दिया गया और कई राज्य देश के में लागू होने के साथ ही साथ इसे अपनाने के लिए बाध्य हो गए और कई राज्यों ने इन तमाम डेट के साथ में छात्रगण 1 अप्रैल 2010 से ही इनका ये लागू कर दिया। लेकिन आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर जो उस समय, अभी तो अब वो राज्य रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में उसका बंटवारा हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के, उस समय जम्मू कश्मीर एक ऐसा एकमात्र राज्य था जिसने आरटी के कानून को लागू नहीं किया था। आज के डेट में ये क्वेश्चन प्रासंगिक मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ इतिहास के पन्नों से भी क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य था देश का जो आरटी कानून को मानने से इनकार किया था, तो वो था जम्मू कश्मीर। मानने से इनकार क्या, वहां लागू ही नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको मालूम है वहां की अलग संविधान थी, सब कुछ था। ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि संविधान में हम सबों ने संशोधन करके छात्रगण अभी हम लोग जो है उसको स्वायत्त का दर्जा दे दिए हैं और जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। इन दोनों बातों को बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे छात्रगण। तो ये पूरी कहानी थी 1 अप्रैल 2010 की, है ना। जैसे करके आगे चलेंगे और नीचे लिखेंगे, अब हम सब बातें करेंगे कि कानून लागू हो गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मूल अधिकार में समाहित हो गया, इसके समाहित होने के फलस्वरूप अब क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए, कैसे कैसे सारा कुछ इसमें चला, इनकी तमाम डिटेल चर्चाएं हम सब जो है अब क्लास के अंतर्गत में अलग करेंगे, है ना। उसी नीचे जैसे करके अब उसमें लिखिएगा, हाँ बुलेट लगा करके उसी में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इसकी हेडिंग क्रिएट कीजिए, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए, ये सब हम चीज जानने का प्रयास करेंगे। प्रमुख प्रावधान इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, इसकी शानदार चर्चाएं हम सब यहां पर करेंगे। लिखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत टोटल प्रावधान एकदम लाइन बाय लाइन इसको करके लिखाएंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षा, ब्रैकेट खोल करके जब हम प्राथमिक कक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक कक्षा तो आपके मन मस्तिष्क में एकदम चलना चाहिए 1 से 5, समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। और जब हम उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक कक्षा तो आपकी बातें चलती हैं 6 to 8, ठीक है ना। दोनों बातें याद रखिए, प्राथमिक कक्षा की बात करें 1 to 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करें 6 to 8। आपको मालूम होना चाहिए कि आरटीई का कानून जो है वो 1 to 8 के बच्चों के लिए ही लागू होता है। नीचे डैश, शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा 1 से 5, ये लिख चुका होगा आप सब लोगों में, शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा। 1:30 का मतलब हो गया 30 बच्चे पर एक शिक्षक, 30 बच्चे पर कितना शिक्षक रहेगा, एक शिक्षक। तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में यह अनुपात, तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि 6 to 8 की कक्षाओं में यह अनुपात 1:35 होगा, यानी कि 35 बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे, एक शिक्षक होंगे, यह अनुपात 1:35 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दो बहुत सुपरहिट क्वेश्चन निकल करके आएंगे कि प्राथमिक स्तर पर आरटी के कानून के तहत कितने बच्चों पर एक शिक्षक होंगे, प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चे पर एक टीचर्स, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर 1 टीचर। इसको बहुत दिमाग से एकदम दिमाग बैठा करके एकदम रखिएगा अच्छी तरह से, ओके। चलिए
विच इट हैज सुपरहिट क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए। अनिवार्य शिक्षा के फलस्वरूप, चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा छात्रगण के स्कूल बिल्डिंग्स के निर्माण किए गए, खेल के मैदान डेवलप किए गए, स्कूल लेवल पर बाउंड्री लगाए गए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की गई, बेंच डेस्क कुर्सी की व्यवस्था की गई, विद्यालय किट की राशि दी गई, कई तरह के इम्प्लीमेंटेशन जिससे बच्चों में आधारभूत संरचनाएँ क्रिएट हो सकें, शौचालय की व्यवस्था की गई, बालक के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था किया गया, लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था किया गया, इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर इस पर एक ह्यूज अमाउंट खर्च होना था, एक बहुत बड़े बजटिंग की आवश्यकता थी। तो बजटिंग के लिए ना मैक्सिमम पार्ट केंद्र सरकार के रहे और लेस ऑफ द पार्ट जो रहे राज्य सरकार के, अर्थात जो इस पर खर्च आएगा वो केंद्र सरकार की अधिकतम राशि, ये वक्त वक्त पर बदला है। जिस समय 2010 में ये लागू हुआ था उस समय यह अनुपात 35:65 का था और अभी यह अनुपात जो है वक्त वक्त पर पैसे के आधार पर यह बदलता रहता है। मॉनिटरिंग कंसेप्ट पे एक लाइन उसमें लिखना बहुत बहुत जरूरी होगा कि अनिवार्य शिक्षा के फलस्वरूप आने वाले खर्च का वहन राज्य एवं केंद्र सरकारें मिलकर करेंगी, राज्य एवं केंद्र सरकारें मिलकर करेंगी। ऑब्वियसली केंद्र का बजट बहुत ज़्यादा होगा राज्य का। शुरुआत की मैं बताऊं तो यह अनुपात था 35:65, यह अभी लिखेगा नहीं, यह अभी चेंज हो गया है, यानी कि अभी 65 अगर केंद्रांश का रहेगा तो 35 राज्यांश का रहेगा, यानी 100 रुपये में 65 रुपये देंगे केंद्र सरकार और 35 रुपये जो होगा वो राज्य सरकार इसमें मुहैया कराएगी और बुनियादी स्तर पर जो कुछ भी सुविधाएँ जो हमें दी जानी हैं सरकारी स्कूलों में उन सबको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेगी छात्रगण, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आरटी के एक्ट, आरटी के कानून क्यों इतने महत्वपूर्ण थे और क्यों इसे लागू किया जाना हमारे देश के लिए बेहद बेहद जरूरी था। बुलेट प्रधान के नीचे थर्ड के आयरो लगा लीजिए डैश में, इस प्रकार का डैश का प्रयोग कर सकते हैं, हैशटैग पे अपने नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी अपने लैंग्वेज आप इसमें लिख सकते हैं, नीचे डैश करके लिखिए। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य, इसमें निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसमें निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान किया गया है। कानून किस लिए, चूंकि एक्ट है, नाम ही इसका अधिनियम यानी कि कानून का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होगा। प्रत्येक क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होगा तथा 2 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्तर के शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर 1-5, 6-8 एक जगह पे स्कूल है 1 किलोमीटर के दायरे में, 8 के बाद 9-10 के लिए आपको 2 किलोमीटर का दायरा इसमें मुहैया कराया गया है छात्रगण, सुझाव के बच्चे किसी भी कीमत पर अपना एजुकेशन को पूरा कर सके। सुदूर में पहाड़ों पर छात्रगण स्कूल खोले गए, अगर पहाड़ पर स्कूल खोल पाने असंभव थे छात्रगण तो हम सब ने चलंत विद्यालय का निर्माण कराया आरटी के कानून के तहत में, और एक बड़ी बड़ी गाड़ी बना करके बसेस बना के पांडिचेरी के इलाकों में, कुछ आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में जो पूरी तरह से टापुओं पर बसे हुए जगह हैं, वहाँ उन बच्चों को चुन चुन करके उन गाड़ी में बैठा बैठा करके छात्रगण उन सब बच्चों को पढ़ाया गया।
निश्चित रूप से देश की लिटरेसी रेट में भी कमाल के परिवर्तन हुए छात्रगण, और हम सब आने वाले 10 वर्षों में, चूंकि 2010 में लागू हुआ था, इन दिनों हमारा जो है 2009 की ये कानून है और अभी हमारा 2020 चल रहा है, तो 2009 के बाद 2020 आने में 11 साल का समय बीता है, और इन 10 वर्षों में छात्रगण आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम सब इसमें बहुत ऊंचे तक पहुंचने का प्रयास किए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये कानून इंप्लीमेंट हुआ है, और निश्चित रूप से शिक्षा की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम सब जो बात कर रहे हैं उस पर हम सब बहुत बहुत कामयाब होते हुए नजर आए हैं। हो गया, दो क्वेश्चन निपल कर आ जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय कितने किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में, उच्च विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में, वेरी गुड। नीचे डैश, सरकारी विद्यालय, बुलेट देकर के, सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को, सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ऑब्वियसली अभी भी फ्री एजुकेशन होता है, स्पेशली प्रावधान किए गए, एक पैसा इवन टीसी कटना, कुछ भी कटना, किसी प्रकार का कोई भी पैसा जो है सरकारी विद्यालय में आपसे नहीं लिया जाएगा। नीचे डैश, अब एक प्रावधान आरटी के बहुत ही जबरदस्त प्रावधान है, और वो है प्राइवेट स्कूल के लिए। प्राइवेट स्कूलों के लिए यह मानदंड तय किया गया कि समाज के अभिवंचित वर्ग, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल 25% बच्चों का नामांकन इन क्षेत्रों से करेगा जो अभिवंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, एससी एसटी ओबीसी, ऐसे बच्चों का 25% सीट वो रिजर्व करेगा, जिसको वो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। प्राइवेट स्कूल को इन 25% बच्चों के लिए जो शिक्षा में खर्च आएगी उसका वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के करेंगे, या राज्य सरकारें वहन करेंगे। तो छात्रगण देखिए कितने जबरदस्त इसके प्रावधान थे कि सरकार यह स्पष्ट कहती है कि प्राइवेट स्कूल को भी आरटीई के तहत मिलाना है, और उन स्कूलों पर अगर आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और कोई प्राइवेट स्कूल है तो उस प्राइवेट स्कूल में भी 25% बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना होगा। तो छात्रगण नीचे डाल दे करके, गैर सरकारी विद्यालय तथा निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स और नॉन गवर्नमेंट स्कूल तथा निजी विद्यालय अपने कुल नामांकन छात्र संख्या के, अपने कुल नामांकन छात्र संख्या के 25% बच्चे को जो आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं, बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। इन 25% बच्चों पर आने वाले खर्च का वहन राज्य सरकारें करेंगी, आने वाले खर्च का वहन राज्य सरकारें करेंगी। डैश, प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय, लैंग्वेज आपका चलता रहेगा, प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय का प्रबंधन, प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय का प्रबंधन, प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय का प्रबंधन स्कूल में गठित समितियां, छात्रगण नोट्स को आगे बढ़ाएगा, प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय के लिए SMC, यह है छात्रगण स्कूल
मैनेजिंग कमिटी, स्कूल मैनेजिंग कमिटी। प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय के लिए एसएमसी स्कूल मैनेजिंग कमिटी का गठन किया जाएगा। ये एसएमसी होता क्या है छात्रगण, कि इसके एक अध्यक्ष होते हैं, यह 16 सदस्य होता है, एसएमसी 16 सदस्य होते हैं, विद्यालय के प्रधान अध्यापक भी उसके सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, विद्यालय के कोई एक अन्य शिक्षक उसके सदस्य होते हैं, साथ ही साथ बाल संसद के एक सदस्य होते हैं, और बाकी गांव के कुछ लोग, कुछ गणमान्य लोग, उनके देखरेख में ही विद्यालयों को चलना है। अध्यक्ष सचिव के कंबाइंड खाते होते हैं, सरकार जो कुछ भी पैसा भेजती है एसएमसी अकाउंट में पैसा भेजती है, उन राशियों से विद्यालय के विकास के कार्य किए जाते हैं। तो एक विद्यालय लेवल पर केवल शिक्षक का ही उसमें अस्तित्व ना रह जाए, आसपास के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि उनके बच्चों को सही एजुकेशन दिया जा रहा है इस चीज को वो जान सके। इसलिए आरटी के एक बहुत बड़ा प्रावधान था, और वो प्रावधान था एसएमसी का गठन किया जाना, दैट इज द स्कूल मैनेजिंग कमिटी। इसको हिंदी में कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। तो एसएमसी के तहत, स्कूल मैनेजिंग कमिटी के तहत क्या क्या गया, लैंग्वेज को पूरा कर लीजिए अच्छी तरह से। प्रत्येक क्षेत्र में स्थित विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन एसएमसी के द्वारा, फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, स्कूल मैनेजिंग कमेटी एसएमसी द्वारा किया जाएगा, एसएमसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एसएमसी भी समझ में आ गया, बाद में एसएमसी को और डील कर देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा स्कूल में वहां के जो जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का भी स्कूल पर उतना ही योगदान होगा जितना हमारा योगदान है और जितना बच्चों का योगदान है, वो भी देख रेख करेंगे। अब आप कल्पना कर लीजिए कि मध्याह्न भोजन के लिए जो रसोइयों की नियुक्ति की जाती है छात्रगण सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, उनके बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ने चाहिए, तभी जाकर के उन बच्चों के स्कूल में एडमिशन हो सकते हैं छात्रगण। तो आप कल्पना कर लीजिए कि सरकार कितने जगह से इस कानून के तहत में कितने सुंदर प्रावधान लेकर के आई है, जिसके तहत आज सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे की ओर जा रहे हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे पाने में हम सब पूर्ण रूपेण कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी है कि इसको बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। नीचे बुलेट छात्रगण, आरटी के नेक्स्ट प्रावधान के ऊपर में बुलेट लगाइए, 6 से 14 आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को, 6 से 14 आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे से लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा सेंटेंस तो लिरिकल हो जाएगा, किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का काम, किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाएगा, फुल स्टॉप। आज की क्लास हम सब यहीं पे समाप्त करेंगे छात्रगण, इसी क्लास को हम सब आगे की क्लास में हम सब बढ़ाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कितने सुपरहिट क्वेश्चंस का निर्माण इसके तहत में होता है मेरे साथ में छात्रगण, कि आरटी के जो प्रावधान किए गए थे, चलिए रिमाइंड कर लेते हैं पूरे तमाम प्रश्नों को छात्रगण, और सभी क्वेश्चनों को हम सब यहां पे रिमाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सब निकाल करके लेकर के आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत आरटी के कानून को लागू किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002। संविधान में शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान अब कहां पर किए गए हैं, तो मूल अधिकार के तहत किए गए हैं। कितने से कितने उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को दिए जाने का प्रावधान है। दिव्यांग बच्चों की स्थिति में या आयु सीमा में कितने वर्षों की छूट दी गई है, तो 6 से 14 के स्थान पर 6 से 18 वर्ष के बच्चों को यह छूट दिए गए हैं। ठीक है, कितने सुपरहिट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए 30 बच्चों पर कितने शिक्षक की नियुक्ति होगी, एक शिक्षक की नियुक्ति होगी, अर्थात एक शिक्षक पर कितने बच्चे होंगे, तो 30 बच्चे होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक पर कितने बच्चे होंगे, तो 35 बच्चे होंगे। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है छात्रगण। स्कूल लेवल पर स्कूल की, स्कूल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की समिति का गठन किया गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छात्रगण, आज की क्लास यहीं पर समाप्त घोषित करते हैं, इस वादे के साथ कि कल की क्लास में पुनः मुलाकात होगी।